मुख्य रूप से तीन चीजें हैं और तीनों का संतुलन मनुष्य बनाता नहीं। नंबर एक शरीर है, नंबर दो मन है और नंबर तीन आत्मा है। शरीर के लिए तो बहुत सुविधा जुटाता है मनुष्य, लेकिन मन के लिए कोई इंतजाम नहीं। मन दुख में गिरा देता है। मन को कैसे समझाऊं? एक विचारक कहता है कि जितना इसको समझाऊं उतना ही मचल जाएगा। ये बड़ा मन खतरनाक। और मन की खुराक क्या है? मन क्या चाहता है? मन कभी खाली नहीं बैठता है। कितने लोग कहते हैं खाली मन शैतान का घर। खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ सोचता रहता है। अच्छा सोचेगा, बुरा सोचेगा, उल्टा सोचेगा, सीधा सोचेगा, गलत सोचेगा, सही सोचेगा, लेकिन सोचेगा। इतना तेज है ये मन। तुम यहाँ सत्संग में बैठे हो फिर भी बीच बीच ये घर के बारे में भी सोच लेता है, दुकान के बारे में सोचने लग जाता है, जूते चप्पल के बारे में सोचने लग जाता है। पत्नी के बारे में सोचने लग जाता किधर बैठी है। पति के बारे में सोचते हैं कि पीछे तो नहीं बैठे। प्रवचन भी सुन रहा है, बहुत तरह सोच रहा है। बड़ा तेज है मन, कभी थकता नहीं, रुकता नहीं, कभी छकता नहीं और कभी चुप रहता नहीं, कुछ न कुछ सोचता है। विशाल देव ने लिखा है, जो लोग धार्मिक ग्रंथ आध्यात्मिक वाणी पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, उनका मन अच्छी चीजों में रमण करता रहता है। जो लोग ध्यान करते हैं ना, ध्यान के बीच में भी मन निकल भागता है, कुछ और सोचने लग जाता है। शरीर तो बैठा है, आंखें बंद, मन छलांग लगा ले गया। इसलिए कितने ध्यानियों की शिकायत है कि मन ठहरता नहीं, मन रुकता नहीं। हम ध्यान में बैठते हैं तो मन खेत में लगे हुए धान में चला जाता है, और धान में जाते हैं तो मन कहता ध्यान करो, जहां इसको हम लगाना चाहते वहां लगना नहीं। विद्यार्थी का मन पढ़ने में नहीं लगता, माँ बाप सब परेशान हैं, बच्चे को समझाते हैं पढ़ पढ़ पढ़, वो समझता नहीं है, उसका मन लगता नहीं है। आज एक भक्त से बात हुई, विनोद शाह, कह रहे थे हम गृहस्थी आदमी हैं तब भी 10-50 भजन याद है, और मेरे यहाँ एक दो साधु आए, उससे हमने कहा भजन सुना, उसको एक भजन नहीं याद है, ये क्या करता है? हमने कहा उसी से पूछो क्या करता है, बोले पूछा था तो कहता याद ही नहीं होता। बोले याद नहीं होता है, इतनी बड़ी खोपड़ी लिए घूम रहा है, दुनिया भर का प्रपंच याद है, भजन नहीं याद। अगर कोई गाली दिया है सन 1972 में वो भी याद है, और जहां दिया था वो गांव याद है, और भजन नहीं याद है, तो ये चंडाल आदमी है ये। क्यों नहीं याद? याद शक्ति है, लेकिन तुम मन को वहां लगाते नहीं। कोई इतना मूर्ख नहीं है, कुत्ते को अपने मालिक का घर याद रहता है, बैल को आप खेत में छोड़ दीजिए वो घर आ जाएगा अपने आप, उसको भी याद रहता है। और मनुष्य तो विराट दिमाग रखता है, जिसको याद क्यों नहीं होता है? जिसमें आपकी रुचि होती है, आपकी लगन होती है, जहां से तुमको फायदा दिखने लग जाता है, वहां सब तुमको याद होने लग जाता है। और दिमाग की बात यह है, सरस्वत के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। ये शरीर से काम न करो ये दो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। कितनी औरतों को मैंने देखा है, 50 साल उम्र है, बैया बैया चलती, बैया बैया समझते हो, हाथ भी लगाए हैं जमीन में और पांव भी, और रेंगत जा रही है,
बिल्कुल आई थी पत्नी बनकर बन गई हथनी। अब इतना शरीर को बर्बाद किया है बैठे बैठे। अभी मैं अपने संतों से कह रहा था कि मेरी उम्र बहुत है, हमारी उम्र से सब छोटे हैं, तो हमने कहा तुम लोग जंप लिया करो। तो मैं जंप लेता हूँ। क्यों जंप लेता हूँ? शरीर को संभालना पड़ता है। शरीर एक बहुत बड़ा यंत्र है, शरीर एक मंदिर है, शरीर एक साधन है, और शरीर एक जो कुछ करना चाहो वो करने के लिए तुमको मशीन जैसा मिला हुआ है। खड़ी गाड़ी को खटारा कहते हैं और चलती गाड़ी को गाड़ी कहते हैं। इसलिए याद रखना, इस शरीर से काम लेते रहोगे, शरीर चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, खेलता रहेगा, छलांग लगाता रहेगा, और काम नहीं लोगे तो ये माटी का धौंधा हो जाएगा। एक लड़की को मैंने देखा, भगत की लड़की थी, बहुत मोटी हो गई, एकदम पेट वेट निकल गया। तो हमने कहा तुम्हारी शादी भी कोई नहीं करेगा। तो उसका बाप बोला, माँ बोली कि ये कद देखिन कि सब भाग जाते, ये ढोल लेके कहाँ जाई भाई। तो हमने कहा कुछ घटाओ वजन बेटी। तो उसने 3 महीने व्यायाम किया, रस्सी वाली रस्सी से कूदी, 15 किलो वजन घटाया, बिल्कुल स्मार्ट स्लिम हो गई। फिर कहीं सत्संग में आए तो दुबली पतली, तब ने कहा ठीक है अब शादी हो जाएगी, फिटनेस है, शरीर ठीक है, शादी हो गई। फिर 3 साल बाद मिली, अरे 1.5 क्विंटल की वजन मिली। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले पुलिस में भर्ती होने के बाद चाहे जितना फैल जाए शरीर, कोई बात नहीं पड़ती है, तो शादी होने के बाद चाहे जो भी हो जाए फिटनेस रहे चाहे ना रहे, अब सब फिट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका शरीर अगर सही नहीं रहता है तो आपकी जिंदगी में दुख कभी मिटने वाला नहीं है। शरीर का कष्ट ना पति बटा सकता है, ना सासू बटा सकती है, ना ससुर बटा सकता है, ना गुरु बटा सकता, ना शिष्य बटा सकता है, ना पड़ोसी बटा सकता है, ना सास ससुर बटा सकते। शरीर का कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। अन्य लोग सब दवा ला सकते हैं, पानी गर्म ठंडा करके दे सकते हैं, लेकिन शरीर की तकलीफ आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान वो है जो अपने शरीर को व्यायाम से, संतुलित आहार से, और हंस करके टेंशन मुक्त होकर के संभाल कर रखता है। पागल बनोगे बर्बाद तुम हो जाओगे, और ज्यादा खा करके मोटे बनोगे पेट निकालोगे तो इतना बीमारियां पैदा होंगी कि जिसको झेल नहीं पाओगे। इसलिए हंसते रहो, व्यायाम भी करो, और शरीर को तंदुरुस्त रखो, चुस्त रखो, ऐसा हड्डी गुड्डी भी मत रखो। कितने लोगों का शरीर ऐसा है जैसे सूखी लकड़ी, डिग डिगा डिग डिग। हाँ, सब गाल गड्ढे खोपड़ी में गड्ढा हो गई, पता नहीं कहाँ बनाओ। हाँ, पूरा जिधर चलते हैं हवम हालत है, ऐसे अपनी टांगम टांग फंसा थे, दूसरे को तिगड़ी मारे की जरूरत ही नहीं, खुद ही अपनी दुगड़ी मारा करते। ये कौन होशियारी है? चमत्कार कीजिए। तो शरीर को अगर आप नहीं संभाल पाए तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए शरीर को अच्छा कीजिए, ये शरीर मंदिर है।